कुछ महीनों पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, इसको आप जेनजी के ऊपर एक क्रिटिक वीडियो बोल सकते हो। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद करा और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो इसे कॉपी पेस्ट कर डाला। मेरे हिसाब से आजकल जेनजी को लेकर सोशल मीडिया में काफी नेगेटिव वीडियो बनने लगे हैं। इनफैक्ट अब लोग जेनजी को एक एल जनरेशन बोलने लगे, लूजर बोलने लगे। लेकिन एक्चुअल में बदलती लाइफस्टाइल की वजह से जेनजी की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो काफी नेचुरल इवोल्यूशन जैसे दिखते हैं। अब कुछ एरियाज में तो ये सिंपली विक्टिम है अपने सर्कमस्टेंसेस के, जिसकी हमने बात पिछले वीडियो में भी की थी। लेकिन आज हम जेनजी की पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेंगे और ऐसे एरियाज को देखेंगे जिसमें एक्चुअली ये एक बिग डब्ल्यू यानी विन नजर आते हैं। जैसे जेनजी से ज्यादा टेक सेवी लोग आज के वर्कफोर्स में आपको नहीं मिलेंगे। प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में मल्टीटास्किंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। सोशल इश्यूज को लेकर ये बड़ी इंक्लूसिव नजर आते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो, सेक्सुअलिटी हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर एनिमल राइट्स हो। और पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में अपनी प्रेफरेंस को लेकर भी जेनजी काफी ज्यादा वोकल है। जो भी बात होती है सीधा बोल देते हैं। ये ज्यादा घुमा फिरा कर डिप्लोमेटिक बन के बात करने में विश्वास नहीं रखते और ना ही ऐसी चीजों को टॉलरेट करते। तो आओ ऐसी कुछ चीजों पर अच्छे से डिस्कस करते हो और अगर आप एक जेंजी हो आपको बहुत मजा आने वाला है। Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? नहीं होता यार मुझसे, तो क्या करूं? कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो कोसोगे। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो आप सब डटे रहिए। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। देखो पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी जेनजी की फ्रेंडशिप के साथ में, कैसे जेनजी की जो रिलेशनशिप है अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ट्रांजैक्शनल हो गई है और सोशल मीडिया की वजह से काफी सुपरफिशियल भी दिखती है। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे जेनजी की फ्रेंडशिप को देखने का भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। देखो पहले ना लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, इसीलिए लोग अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों गली में खेल के टाइम पास कर लिया करते थे। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था और इसीलिए लोगों के पास टाइम काफी ज्यादा था, कॉम्पिटिशन भी कम था। इसीलिए पहले लोग फिजिकली ज्यादा मिल लेते थे और जो भी एंटरटेनमेंट था वो फिजिकल फॉर्म में नजर आता था। अभी सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। और जहां तक बात है सोशलाइजिंग की, तो ये तो आप हर जनरेशन में चेंज नोटिस करोगे। अपने जो दादा परदादा टाइप के लोग हैं ये आपको कहानी सुनाएंगे कि भैया जो उनका हैंगआउट पॉइंट था वो किसी पुराने पेड़ के नीचे था, जहां पर वो बैठकर बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप पेरेंट्स से बात करो तो उनकी स्टोरीज में जो हैंगआउट पॉइंट है वो बदल के चाय की टपरी या पास वाली नाई की दुकान हो जाते हैं। उनकी स्टोरी में कोई ना कोई स्पोर्ट भी शामिल रहता है। उनकी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कैसे वो स्कूल कॉलेज से बंक मार के फिल्म देखने जाया करते थे राजेश खन्ना की। तो इसी तरह से तो हो रहा है, आजकल की जो जनरेशन है उनके हैंगआउट पॉइंट बदल चुके हैं, फन करने के तरीके बदल गए, बल्कि शायद फ्रेंडशिप का भी जो मीनिंग है वो भी थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है। अब वो वर्चुअली रहते हैं, ऑनलाइन लोगों से मिलते हैं और उसी तरह की उनकी फ्रेंडशिप बन रही है। तो इसमें जेनजी की पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उनके सर्कमस्टेंसेस का नतीजा है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि बदलते टाइम के साथ जो आने वाली जनरेशन है उसमें इसी तरह के और भी नए डिफरेंसेस हमें दिखेंगे। अब लोग एआर वीआर में मिलने लगेंगे, उनकी फ्रेंडशिप का मीनिंग और ज्यादा बदल जाएगा। तो इसमें उस जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बदलते टाइम के साथ इवॉल्व होती हुई रिलेशनशिप और उनके हैंगआउट पॉइंट्स। फ्रेंड्स के साथ एक और चीज जेंजीज के लिए एकदम चेंज हो गई है और वो है उनके काम करने का तरीका। पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी को लोग एक विलेन की तरह देखते थे। कंप्यूटर आ गया तो लोग ऐसा डर गए कि सोचते थे अब सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। नई जनरेशन इसमें लीड कर रही है और सिखा रही है कि कैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम को आसान बनाया जा सकता है। एक और प्लेटफॉर्म है जो इसमें हेल्प कर रहा है और वो है ओडू। ओडू एक पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आपके बिजनेस की सारी नीड्स पूरी होंगी। मतलब आप अपने पूरे बिजनेस को ये एक प्लेटफॉर्म से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ओडू क्या कर सकता है, सवाल का जवाब ये रहा। वेबसाइट से लेकर सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंटरी, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी, हर डिपार्टमेंट और उसके काम के लिए एप्स अवेलेबल है। और बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पर सब कुछ इंटीग्रेटेड है, इस वजह से ये सब कुछ काफी ईजी हो जाता है। जो लोग ओडू नहीं यूज करते वो इन सब कामों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ओडू का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए रिप्लेस कर देता है। और मेरे एक्सपीरियंस में बाकी सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स बहुत महंगे आते हैं। मैंने सोचा ओडू इतने प्लेटफॉर्म्स को एक साथ रिप्लेस कर रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत महंगा होगा। लेकिन नहीं, ये सारे एप्स का एक्सेस सिर्फ 580 रुपीस पर मंथ में आपको मिल जाता है। और ऐसे ही आप ईयरली और मंथली प्लान्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको सारे ऐप नहीं चाहिए और काम फ्री में करना है तो इनमें से कोई भी एक ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल जाएगा।
मैंने पर्सनली चैनल के कामों के लिए ओडू के इनवाइसिंग और ई साइन जैसे ऐप्स को यूज करके देखा है जो काफी सिंपल और एकदम क्लियर इंटरफेस के साथ आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक बार इन्हें ट्राई जरूर कर लेना। अब आते हैं टॉपिक पर वापस और देखते हैं कि जेंजी की रिलेशनशिप्स कैसे इवॉल्व हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हैं उनकी शादी एक अरेंज मैरिज हुई होगी। इनफैक्ट आपने कहानी सुनी होगी कि कैसे उनके टाइम पे घर के बड़े शादी फिक्स कर देते थे। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाते थे। अब क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा ही होता आया है कि लड़का लड़की चाहे एक दूसरे को पसंद करें या ना करें उन्हें एडजस्ट करना पड़ता था। अब अगर किस्मत अच्छी हुई तो रिलेशनशिप हेल्दी निकल जाती है, अदरवाइज हम सबकी फैमिली में एक ना एक ऐसा रिलेटिव आपने देखा होगा जिनके बच्चे तक बड़े हो गए लेकिन उनकी लड़ाइयां अभी भी खत्म नहीं हो रही। और पहले डिवोर्स जैसी चीज हमारी सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी, अर्बन इंडिया में भी नहीं थी, रूरल तो आप छोड़ ही दो। तो इनकी रिलेशनशिप कितनी भी टॉक्सिक हो जाए इन्हें साथ में ही रहना पड़ता था। लेकिन अगर इन डायनेमिक्स को हम जेंजी से कंपेयर करें तो काफी अलग और ओपन चीजें नजर आती हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लिव इन, डिवोर्स, इन सब चीजों को आप गलत नहीं बोल सकते आज के टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये प्रेफर ना करो, आप अभी भी ट्रेडिशनल तौर तरीके अपनाओ, लेकिन वो ट्रेडिशनल तौर तरीके भी बदल गए। आजकल अरेंज मैरिजेस में भी अपने पार्टनर को चूज करने के लिए ज्यादा फ्रीडम है। लोग शादी से पहले मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं पसंद आता तो नहीं होती है शादी। और पेरेंट्स भी ये प्रेफर करते हैं कि वो दोनों अपने आप में कंपैटिबल हो तभी उनकी शादी कराई जाए। और इसीलिए आजकल कपल्स में मिसमैच थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अपनी फैमिली में ही अगर आप देखो, बुआ फूफा या मौसी मौसा को देखो, तो काफी चांसेस है कि वो दोनों आपको देखकर लगे कि कितने ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, इनकी शादी कैसे करवा दी गई होगी। इनफैक्ट कई वुमेन तो खुद भी बताती हैं कि भैया हमारी शादी तो इसलिए हो गई क्योंकि इनकी नौकरी सरकारी थी और तो कुछ किसी ने देखा ही नहीं। और ये सारी प्रॉब्लम आपको जेंजी कपल में देखने को कम मिलेगी। उनके लिए हर तरह की कंपैटिबिलिटी मैटर करती है और इसीलिए आजकल जो मैरिजेस हैं वो पहले के कंपैरिजन में हर एस्पेक्ट में इक्वल नजर आती है। और मेरे हिसाब से जब जेंजी के रिलेशन पर लॉन्ग टर्म में रिसर्चेस की जाएंगी तो डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और भी सारी बुरी जो प्रॉब्लम्स थी उनके इंस्टेंसेस आपको कम से कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ सोशली प्रोग्रेसिव भी है और ज्यादा अवेयर भी हो चुके हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसकी अवेयरनेस भी जेंजी में प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए मैंने देखे हैं कि वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम, इस तरह के कोट शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बायसनेस को एक सेकंड के लिए साइड रखो और थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचो तो एक्चुअल में ये कितनी ज्यादा अच्छी चीज है कि जेंजी अपने आप को लेकर इतना ज्यादा सेल्फ अवेयर है और हर तरह की हेल्थ पर कंप्लीटली फोकस करते हैं। वो वल्नरेबल फील करने में शर्माते नहीं है, अपनी फीलिंग्स को ओपनली और वोकली एक्सप्रेस करना जानते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में काफी ऑपोजिट है। हम में से कितने ही लोगों ने अपनी प्रीवियस जनरेशन के लोगों को रोते हुए देखा है, स्पेशली जो मेल्स हैं घर के, उनको तो शायद ही आपने कभी देखा हो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा लॉस हो, वो कभी आपको वल्नरेबल नहीं दिखेंगे। और ये जो सारे इमोशन है ये अंदर बॉटल अप होते रहते हैं, फिर ये एंगर के थ्रू निकलते हैं, ब्रेकडाउन के थ्रू निकलते हैं या फिर एल्कोहल या ड्रग अब्यूज के थ्रू बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको कभी भी अपने इमोशंस को चैनल करना सिखाया नहीं जाता। ये अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करना मैनली नहीं कंसीडर करते। इसीलिए बात अच्छी है कि जेंजी अपने इमोशनल वेलबींग को एक प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं और अपने आप को समझने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट फिजिकल हेल्थ की भी बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बताया था, फास्ट फूड की बात करी थी। लेकिन अगर आप इसके दूसरे साइड को भी देखो तो फिटनेस और न्यूट्रिशन को लेकर जेंजी बहुत ज्यादा अवेयर है। अपने आसपास ही आप देख लो, पहले के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा जिम खुल चुकी है, बल्कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे जिम ब्रोज मिल जाएंगे। पहले के टाइम में नॉर्मल लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती थी तो जिम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उसी चीज को जिम ने रिप्लेस कर दिया है। ये भी एक तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन है क्योंकि समय के साथ लोगों के रहने के तौर तरीके बदल जाते हैं। और अपने आप को फिट रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और वीगनिज्म जैसे ट्रेंड्स भी हैं, वो भी जेंजी में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हुए आपको दिखेंगे। और कुछ इसी तरह की डिफरेंट अप्रोच जेंजी की करियर चॉइसेस और वर्क एथिक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। पहले का टाइम थोड़ा अलग था, भारत में लिटरेसी रेट कम थी, 70s-80s के टाइम पे तो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं थी, ना फ्रीलांस हो सकता था, ना रिमोट वर्क के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे, तो सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शन थे जिनको चूज करना होता था और ये इंडस्ट्रीज भी काफी रेगुलेटेड थी। इसीलिए अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए हमारे पेरेंट्स ने 14-14 घंटे की शिफ्ट करी। इसीलिए हमारे पेरेंट्स बहुत वर्कोहोलिक थे और इतने प्रेशर की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उनके बच्चों के साथ उनकी जो डीप रिलेशनशिप है वो भी डेवलप नहीं हो पाई। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। उसके कंपैरिजन में आज की सिचुएशन काफी बेटर हो चुकी है। एटलीस्ट जो जेंजीज पेरेंट बनेंगे उन्हें एक एब्सेंटी फादर या मदर होने के टैग शायद नहीं मिलेंगे। और क्योंकि उनके पास पहले से ज्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए जेंजी किसी रैट रेस का पार्ट बनने की बजाय ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है। इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, मल्टीटास्किंग में भी उन्हें हेल्प मिलती है। अब इतने सारे टूल आ गए कि पहले जिस काम को करने में 10 घंटे लगते थे अब 10 मिनट में हो जाता है। इतने सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे कि जेंजीज आज एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स को भी लीड कर रहे हैं। उनकी रिस्क ट्रेकिंग एबिलिटी भी दिखाई देती है यहाँ पर।
इनफैक्ट Gen Z हमारे वर्कफोर्स में अभी तक की सबसे ज्यादा टेक सेवी जनरेशन है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, कोई भी ट्रेंड आए, उसे सबसे जल्दी अडॉप्ट करने में, सबसे जल्दी ट्रांजिशन करने में Gen Z आगे खड़े दिखाई देते हैं। पहले की जनरेशन के हिसाब से काफी बेटर है, क्योंकि उस जनरेशन में किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता था और डरते थे वो उस चीज से। और Gen Z का जो सोशल मीडिया से एक्सपोजर है वो कंपनीज के लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है, क्योंकि भारत एक यंग कंट्री है और अगर उन्हें इस यंग जनरेशन के बीच में रेलेवेंट रहना है तो अपना सोशल मीडिया गेम स्ट्रांग रखना होगा। और इसके लिए किसे हायर करेंगे? Gen Z को, क्योंकि Gen Z समझते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यंग इंडिया को क्या चाहिए। और क्योंकि आजकल रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, तो जो लोग बड़े शहरों में नहीं भी मूव कर सकते थे वो भी आज बड़े शहरों की कंपनीज की वर्कफोर्स का पार्ट बन पा रहे हैं। पहले के टाइम में जो विमेन मल्टीपल रीजंस की वजह से वर्कफोर्स में नहीं जा पाती थी, अब घर बैठ के रिमोटली या फ्रीलांस वर्क कर रही है और वो भी इसका पार्ट बन रही है। इनफैक्ट आप ऑलरेडी देखोगे कि जो Gen Z वर्कर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन पहले के कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा दिखाई देगा। इससे ना सिर्फ जेंडर इक्वालिटी सुधरती है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर। बाकी देखो, Gen Z के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन किस जनरेशन में नहीं होती है प्रॉब्लम? हमारे पेरेंट्स के टाइम पर भी इकोनॉमी क्लोज होने की वजह से उन्हें लगता था कि सरकारी जॉब ही सबसे बेस्ट है। आज भी बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्यूचर सरकारी जॉब की रैट रेस में फंसा कर उनका टाइम खराब कर रहे हैं। उस जनरेशन को पैसा कमाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि वो अपनी फैमिली से हमेशा डिटैच रहे। उन्हें कभी खुद को इमोशनली अच्छे से एक्सप्रेस करना ही नहीं आया और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हुई कि आज भी वो उसे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स से पहले की भी जनरेशन देखो तो उन्होंने देश को गुलाम देखा था, ज्यादातर अपनी लाइफ गांवों में स्पेंड करी थी। तो जब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन शहरों की तरफ गई होगी तो उनके पेरेंट्स ने भी कहा होगा कि ये कितना गलत डिसीजन है। उन्हें लगा होगा कि शहर के पॉल्यूशन में मकान बनाने के लिए ये गांव की साफ हवा छोड़कर जा रहे हैं, कितने पागल लोग हैं। लेकिन ऑप्शन क्या था? ये ट्रांजिशन तो उन्हें करना ही पड़ा ना। सिमिलरली जब कंप्यूटर आए तो हमारी जनरेशन ने उन्हें बड़े अच्छे से यूज करना शुरू करा, लेकिन जो पेरेंट्स की जनरेशन में वर्कफोर्स के लोग थे उन्होंने बहुत रेजिस्ट करा। उन्हें लगता था कि एक मशीन कभी ह्यूमंस जितना एक्यूरेट काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन क्या हुआ? आज सब जगह कंप्यूटर और इंटरनेट से काम हो रहा है और हम लोग की जनरेशन को बड़े शहरों में मकान नहीं बल्कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। इसको भी हमारे पेरेंट्स हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सिमिलरली जो Gen Z जनरेशन है वो आगे की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है और ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल में खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली इतने मेजर शिफ्ट के साथ वो कुछ गलतियां करेंगे, उनकी फ्रेंडशिप्स अलग तरह की होंगी, लाइफ चॉइसेस बदलेंगी, काम करने का ढंग बदलेगा, रिलेशनशिप बदलेंगी। और इन सब के साथ एक चीज यहां पर कांस्टेंट रहेगी, Gen Z से पहले वाली जनरेशन उन्हें इन बातों के लिए फिर से क्रिटिसाइज करती हुई दिखेगी। मैं खुद एक मिलेनियल हूं और Gen Z मेरे से नेक्स्ट वाली जनरेशन है, इसीलिए जो लास्ट वीडियो था मैंने इन सारी बातों को लेकर Gen Z को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन हमारे पहले की जनरेशन ने हमें सिर्फ क्रिटिसाइज थोड़ी किया था, हमारी अच्छी बातों पे तारीफ भी तो की थी। तो मैं भी Gen Z को सिर्फ क्रिटिसाइज क्यों करूं? और जिस स्पीड से लेफ्ट राइट हर आदमी Gen Z को क्रिटिसाइज करने वाला वीडियो बना रहा है, मुझे ऐसा लगा कि दूसरे साइड की बात करनी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा रहा है? आप Gen Z हो तो कमेंट में अपने थॉट जरूर लिखना और ऐसे थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी Odoo का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार उन्हें ट्राई जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।